नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एनपी एग्जाम न्यूज में। आज की इस वीडियो में हम 8 और 9 नवंबर 2021 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए जान लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न था, निमाड़ का पेरिस मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बड़वानी जिले को। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है, और बड़वानी जिले में प्रदेश की एकमात्र सौंफ मंडी भी स्थित है। बड़वानी में धान अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। और जान लेते हैं अदर ऑप्शन के बारे में, तो जो सिवनी है इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, और उज्जैन को मंगल ग्रह की भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पैरा तैराक सत्येंद्र लोहिया को राष्ट्रीय खेल साहसिक पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है, इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर जिले से। सत्येंद्र सिंह लोहिया को मध्य प्रदेश में विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, और सत्येंद्र सिंह लोहिया नेशनल तैराकी में चैंपियन भी रह चुके हैं, और इन्होंने केटलिन चैनल को पार करने से पहले इंग्लिश चैनल को भी पार किया है, और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है। यह आप देख सकते हैं, इस पर आर्टिकल है हरिभूमि का, कि पैरा तैराक सत्येंद्र हुए सम्मानित, और इन्हें राष्ट्रीय खेल साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की शिवानी पवार ने अंडर 23 अंतरराष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छिंदवाड़ा जिले की। शिवानी पवार का संबंध छिंदवाड़ा जिले से है। सर्बिया में आयोजित की गई अंडर 23 अंतरराष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलो वेट कैटेगरी में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की शिवानी पवार ने रजत पदक जीता है, और इस चैंपियनशिप में भारत का यह 7वां पदक है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 1 नवंबर से 7 नवंबर 2021 तक किया गया था, और शिवानी पवार इस चैंपियनशिप में जगह बनाने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला पहलवान बन गई हैं। यह आप देख सकते हैं, इस पर आर्टिकल है कि अंडर 23 अंतरराष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में रजत पदक जीता है छिंदवाड़ा की शिवानी पवार ने, और यह है शिवानी पवार। यह हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनता फ्रिज स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल जिले में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चूना भट्टी स्थित बुद्ध विहार के पास जनता फ्रिज रखा गया है, और इस फ्रिज में कोई भी व्यक्ति खाने पीने और जरूरत का सामान रख सकता है, और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बगैर किसी की अनुमति के यह सामान ले जा सकता है और उसे इस्तेमाल कर सकता है। यह आप देख सकते हैं, इस पर जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी पोस्टर है कि जरूरतमंदों की मदद करेगा जनता फ्रिज, और भोपाल में चूना भट्टी स्थित वन विहार बुद्ध विहार के पास इसे रखा गया है। यह हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दतिया महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने, और ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने 3 दिवसीय दतिया महोत्सव का शुभारंभ किया है, और जो दतिया है यह बुंदेलखंड अंचल के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं, इस पर हरी भूमि का आर्टिकल है कि दतिया महोत्सव का आयोजन जनता की इच्छा पर हुआ है, ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कहा है, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ किया है, और इसका आयोजन दतिया में किया जा रहा है। यह हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए सर्वे में मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी 100। मध्य प्रदेश में करीब 100 सालों के बाद जंगली हाथियों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। वर्ष 2018 के 17-18 के अनुसार बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जंगली हाथियों की संख्या 52 हो चुकी है। यह आप देख सकते हैं, इस पर आर्टिकल है कि 100 साल बाद प्रदेश में जंगली हाथियों की संख्या 100 के पार हुई है। और बांधवगढ़ और संजय टाइगर रिजर्व में पश्चिम बंगाल और झारखंड और छत्तीसगढ़ के रास्ते ये हाथी मध्य प्रदेश में आए हैं। अब हम करेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर के कल के प्रश्नों का रिवीजन। हमारा पहला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पन्ना टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, यह विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो यह विश्वविद्यालय भोपाल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले की कुमारी मधुबाला को रानी दुर्गावती पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंदसौर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा आवासीय घरों पर सौर ऊर्जा के लिए कितनी सब्सिडी दी जा रही है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, 20% भी और 40% भी। अगला प्रश्न है, इंजन मेंटेनेंस में रतलाम डीजल शेड किस नंबर पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहले नंबर पर। यह हमारा आज का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिले दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन है 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले या 7 जिले। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें। और ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।